में जैसे शरद पवार थे या और भी जो डालमिया मिस्टर डालमिया थे, तो उनके जो क्या था ना, उनको बड़ी अच्छी नॉलेज पकड़ थी मैनेजमेंट की। तो उन्होंने जो नीचे के लोग रखे हुए थे ना, जो स्पोर्ट्स चलाएंगे या जो क्रिकेट चलाएंगे, उन्होंने लोग अच्छे रखे हुए। जो और है हॉकी है, अब वो हॉकी में आप अच्छे प्लेयर लेके आओ ना, आप मैनेजमेंट में कोई भी हो जाए, पर आप जो नीचे लोग हैं वो तो अच्छे लेके आओ। जफर इकबाल है, अशोक कुमार है, तो ये लोग बढ़िया जिनको हॉकी खेले हुए हैं उनको ला के दो कि भाई आप हॉकी चलाओ। अब ये क्या है, जैसे और गेम्स हैं उसमें जो प्रेसिडेंट है वो सोचता है मुझे ही सब कुछ पता है, वो प्लेयरों को नहीं आने बीच में आने दे रहा। क्रिकेट में क्या था कि इन लोगों ने जो टॉप मैनेजमेंट थी, इन्होंने प्लेयरों को इन्वॉल्व किया, तो उससे क्या हुआ कि क्रिकेट बूम कर गई और गेम्स इतना अच्छा नहीं कर रहे। इंडिविजुअल कोच करता है, सानिया मिर्ज़ा कर लिया, नीरज चोपड़ा कर लिया, है ना, वो मेरी कॉम ने कर लिया, या कोई वेट लिफ्टर चांदनी उसने कर लिया, बट टीम स्पोर्ट्स तो फिर टोटल मैनेजमेंट क्या सोच रहा है कि मुझे सब कुछ पता है। तो क्रिकेट में ऐसा नहीं था, क्रिकेट में ऐसा था कि आपने इन्वॉल्व किया अच्छे प्लेयर, और फिर जल्दी से पॉपुलर इसलिए हो गया कि पैसा जल्दी इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल, अब लोगों को होप तो थी नहीं कि ये ऑलरेडी हॉकी गिर ही गया था, जीतने वाले तो कुछ साल बाद थे नहीं, और कोई टीम स्पोर्ट हमसे खेली नहीं जाती। मोहन बागान बेचारी कितने साल से एक क्लब प्रीमियर जीतने की कोशिश कर रही है एशिया के लेवल पे, बट बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं फुटबॉल लेवल पे ही। तो अब आई थिंक क्रिकेट एक एज अ सेवियर बन गया है फॉर पीपल, कि देख सकें दैट यू नो आर डूइंग हिज टीम सो फैंटास्टिक। थोड़ा सा लोगों को इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा आ गया, लोगों ने देखना शुरू करा, फिर पैसा आना शुरू हो गया, उसके बाद फिर स्पॉन्सरशिप मिलने शुरू हो गई, तो उसमें थोड़ा सा समहाउ डिस्पाइट बीइंग सच एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट, यू नो इतना ग्रिप रखा है इसने इन अ पुअर कंट्री लाइक इंडिया, मतलब जो अनबिलीवेबल, यू नो दैट्स एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग फॉर मी। नहीं, बहुत सरप्राइजिंग तो है, देखो इतना पैसा बच्चे को, आज एक एकेडमी में बच्चा आता है तो उसको कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का उसकी एंट्री है, किट फीस कैट मिला के 10, फिर भी लोग आर भेज रहे हैं इस उम्मीद से कि नहीं यार देखो ये बच्चा आ जाएगा तो फिर बिल हमारा रिटर्न आ जाएगा। अब जैसे गियर्स की बात कर रहे थे, आई थिंक कंफर्टेबल गियर्स और बहुत प्रोडक्टिव गियर्स बन रहे हैं आजकल, बट आई थिंक शूज जो आज के टाइम पे क्रिकेटर्स पहन रहे हैं, आर दे गेटिंग सॉफ्टर? क्योंकि अगर वो सॉफ्ट हो रहे हैं, यू नो दे आर गिविंग यू मोर इंजरीज।